Good morning, friends. Friends, good morning from Sukhdev Dhaba Murthal. Well, आज की morning यहाँ से क्यों हो रही है? Just because weekend शुरू हो चुका है. It's a wonderful long weekend for everyone. So हमने भी कर लिया है plan और हम निकल पड़े हैं गुड़गांव to Nahan. Nahan is a small, beautiful district. City which is located at Himachal Pradesh and हम लोग जा रहे हैं वहाँ मस्ती करने के लिए. देखते हैं कैसा रहता है ये ट्रिप एंड इसको हम पूरा करने वाले हैं. Enjoy, so stay tuned guys. टाइम आ गया हमारा आगे बढ़ने का और हम निकल पड़े हैं अपनी राह पे. राह जा रही है सीधी नाहन. नाहन जगह मैंने जैसे बताया हिमाचल प्रदेश में पड़ती है. मेरी पहली विजिट रहेगी वहाँ पे. काफ़ी फेमस एरिया है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कैप्चर करने की. स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू पोस्टेड गाइस. Okay friends, we are about to reach Grandview Resort. Entry is very dasu, no doubt. कुछ कहने की ज़रूरत है? Look at the view, यार. बहुत ही amazing view मिल गया है. ये हमारे होटल के बाहर के एरिया है. Alsh Hotel. This is a Grandview Hotel in Nahan. Good evening, friends. Friends, this evening is from the property at Nahan. So, as I've shown you the place and the locality, it's actually very, very nice. And the best part which I can hear and I can see here in the property is they are making every individual playing some games. It's an evening time here. They're well organized things. They're playing Damsral, they're playing other games. And it's just so nice so far. Talking about the kids, they're having their own time as well. They have their own separate games. Even the elders having their own games, even the kids. So, we are actually having fun. मॉर्निंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आज की जो मॉर्निंग है ये हमारा सेकंड डे है नाहन में. जैसे आपको पता ही है हमने यहाँ पे कल अपना डे पूरा स्पेंड किया. ग्रेट एक्टिविटी वाज हैपनिंग अराउंड. इट वाज अ फन टाइम नो डाउट एंड वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट हियर. आज के दिन की जो प्लानिंग है सोच रहे हैं कि एक दो आसपास में जो जगह हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें. वेदर कंडीशन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे रेन होने वाली है किसी भी टाइम. तो आई डोंट नो वेदर वी विल बी एबल टू गो आउट और नॉट, बट इफ आई एम आई विल गोना शो यू कि कैसी जगह है क्या है. ठीक है गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड आई विश यू अ वंडरफुल डे. हैव अ ग्रेट टाइम. A very, very, very good afternoon to you all. I am live from a beautiful place. Can't ignore the current weather since it is giving a pleasant view here. I will just show you around that how it actually looks like. This is the view.
ये एक 200 years old first state I would say जो बना था यहाँ पे हिमाचल में, जहाँ पे tourist आना शुरू हुए थे. Before coming here मेरे को ना कई लोगों ने बोला कि यार नाहन आपको जाना चाहिए. आई मीन मैंने तो कभी सुना ही नहीं था उस बारे में, बट कहना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे आने के बाद. इट्स एक्चुअली अमेजिंग गाइस, मतलब अलग ही फील है यहाँ पे यार. एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत पास है हमारे दिल्ली वालों के लिए, तो 36 hours ड्राइव एंड यू गेट अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर. सो ये शायद ही मैं अगर नहीं आता तो मैं इसको ज़रूर मिस करता. तो थैंक्स टू द पीपल दोज हैज एडवाइज मी एंड मैं आके इसको पूरा इंजॉय कर रहा हूँ. आई एम लविंग दिस प्लेस. The scenery behind me, which you can see live, it's absolutely outstanding. मतलब मन करता है कि यार यहीं बैठ कर ना इसको पूरा enjoy करूँ. So I hope you guys are also enjoying this. Stay with me. I have more to share. Going to connect with you very soon, guys. Have a wonderful time. अभी क्लाउड्स में घिरे हुए हैं. अब प्लेस जहाँ पे हम लोग अभी गेम्स वगैरह चल रही है, एक्टिविटी वगैरह चल रही है, जस्ट लाइक यस्टरडे इवनिंग टाइम में. आई गिव यू जो मॉर्निंग में मैंने आपको व्यू दिखाया था उसकी कंडीशन देखो. अभी आप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स फुली कवर्ड विद क्लाउड्स. जय हिंद फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली. दिस मॉर्निंग इज अगेन फ्रॉम नाहन, अ क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन फॉर दिल्ली पीपल. द मॉर्निंग इज ब्यूटिफुल, वेदर इज सो अमेजिंग एंड इट्स सो प्लेजेंट. यू कैन हैव अ लुक, आई विल शो यू अराउंड. स्टे की अगर मैं फीडबैक दूँ तो गाइज इट वॉज वेरी वेरी नाइस, नो डाउट. आई हैड अ वंडरफुल टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस. आई विश ऑल ऑफ यू अ वंडरफुल डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन. जॉय.